ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे का। तो हम लोग टिम्बर के बारे में पढ़ रहे थे, और अभी अगर मैं आपसे बोलूं तो टिम्बर के बारे में देखो, जो यूजेस हैं यूजेस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। मेरा मकसद यूजेस बताने का ये रहता है कि देखो, प्रैक्टिकली किसी भी मटेरियल को फील करना पड़ेगा। अगर कोई हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो आपको एक बार ये याद जरूर रखना पड़ेगा कि हाँ यार, मैंने ये मटेरियल कहाँ पर देखा है। वुड की बात करते हैं, डोर्स विंडोज या डोर्स के फ्रेम आपने देखे हैं, है ना? तो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो यूजेस से क्या होता है कि हम थोड़ा अपने यूनिट के अंदर घुस जाते हैं, हमें अपने यूनिट के बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि टिम्बर अच्छी यूनिट है, और टिम्बर अच्छी यूनिट है, टिम्बर स्टोन जैसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, स्टोन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टोन में याद रखने का इतना ज्यादा है कि आप रटते रटते आप पागल हो जाओगे। आप बोलोगे फिर सर इंजीनियरिंग करेंगे, होती एमबीबीएस कर लेते हैं इतना रटना है। तो फिर भी मैंने स्टोन को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टिम्बर के बारे में आगे पढ़ते हैं। अभी टिम्बर के बारे में आपसे एक्सोजेनस और एंडोजेनस के बारे में पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से एक्सोजेनस और एंडोजेनस की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपका कॉनिफर्स डेसिडियस। कॉनिफर्स आपको पता है, कॉनिफर्स नाम से पता लगता है, कॉनिफर्स मतलब कोन, कोन से बना हुआ। कोन कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, तो जिसकी पॉइंटेड मिडल्स है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते। देखो ये पता है, आप छोटी मोटी चीजें ना, ये लाइक ट्रिक्स मुझे बताने में मजा नहीं आता। कॉनिफर्स कोन जैसा होता है, कोन पॉइंटेड होता है, तो कॉनिफर्स की पत्तियां जो लीव्स होती हैं वो आपकी पॉइंटेड होती है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि देखो, आप ये सब्जेक्ट ना समझ के याद रखने का है, ट्रिक्स याद रखने का नहीं है कि चलो ट्रिक बना दिया, गाना बना दिया, कोई सब काबू के लगता है। कोशिश ही नहीं करी, बहुत कोशिश करी भी है, एक दो यूनिट की बन जाएगी, पूरी गेम सीख नहीं बन सकती। आप लोग सोचते होंगे सर आप लोग ट्रिक्स नहीं बता रहे हो, सर कैसे याद रखें? मैं बोलूंगा यार देखो, एक दो यूनिट की बन जाएगी, सबकी नहीं बनेगी। तो जब अगर आप कोई कुछ लाइक बोलो था सोडियम हेलिना की रब से फरियाद, HeLi को केमिस्ट्री में लोग मुश्किल है। ठीक है, आगे चालू करते हैं, तो आप समझ के याद रखेंगे इसको, है ना? अगर आगे हम बात डिस्कस करें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज या टिम्बर्स ले लो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, ट्रीज ले लो, टिम्बर ले लो यार। ठीक है, ट्रीज मैंने ढंग से भी नहीं लिखा। ठीक है, अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो टिम्बर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है, टिम्बर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं उसकी लाइफ की, फर्स्ट लाइफ ऑब्लिक ड्यूरेबिलिटी, लाइफ ऑब्लिक ड्यूरेबिलिटी, सबसे पहली बात फाइव स्टार टॉपिक के ध्यान रखना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज में जो हमारा टिम्बर है, ट्रीज तो छोड़ो, जो हमारा टिम्बर है उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेगा, लाइक उसकी लाइफ के बारे में या उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि टिम्बर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं हम लाइफ ड्यूरेबिलिटी, कौन कितना लंबा चलता है। ठीक है, अगर लाइफ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भैया कौन कितना लंबा चलता है, ठीक है, तीन में डिवाइड होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी, ध्यान से देखना क्वेश्चन आता है इससे, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी एंड लो ड्यूरेबिलिटी। टिम्बर की लाइफ कितनी है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं है, एक लकड़ी का हम एक प्लैंक ले लेते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर बीम प्लैंक मान लो उसको, हम उसको एक प्लैंक जैसा रेक्टेंगुलर पोर्शन लेते हैं, ग्राउंड को उसको घुसा देते हैं आधा, जैसे मान लो आपने 600 mm हाइट का लिया या हमने 60 cm हाइट का लिया, तो उसको हम ग्राउंड में क्या करेंगे 30 cm तक उसको उसके अंदर फिक्स कर देंगे ग्राउंड के अंदर, और ये देखेंगे कि वो कितने कितने टाइम में डीके हो रहा है। डीके का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाना भाई, जो हमारी नेचुरल एजेंसीज हैं अगर वो किसी मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीके, DECAY।
तो क्या करेंगे, लकड़ी के पट्ठा लेंगे, उसको जमीन के अंदर घुसा देंगे और देखेंगे कि समय के साथ वो कितना डैमेज होता जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी फाइंड करी जाती है ग्राउंड में, लकड़ी का प्लांट इसके डैमेज के कारण जरूरत नहीं है, और समय के साथ हम देखते हैं कितना वो आपका डीके होता जा रहा है। तो देखा गया कि भाई साहब कुछ लकड़ियां 10 साल से भी ज्यादा चल रही है, कुछ लकड़ियां टिम्बर 10 साल से भी ज्यादा चल रहा है, कुछ 5 से 10 साल तक चल रहा है, मतलब डीकम्पोज डीके नहीं हो रहा है, और कुछ 5 साल से पहले ही खत्म हो जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी से अब आपसे कैसा पूछेगा, अगर मैं 10 को 10 ईयर, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूं तो कितना हो गया 120 मंथ्स। अगर मैं इधर बात करूं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो 60 मंथ से लेके, दोनों में कुछ आंसर आ सकता है आपका 60 मंथ से लेके आपका 120 मंथ, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा लो देन 60 मंथ, लो देन 60 मंथ। तो मैंने आपसे क्या बोला, अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर कितना टाइम पीरियड उसका डिफाइन है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब आपको सबसे पहली बात देखो, मैंने आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया हो, चाहे सॉम पढ़ाया हो, चाहे आरसीसी पढ़ाया हो, चाहे स्टील पढ़ाया हो, मेरे मुंह से एक बात हमेशा निकली होगी, एक बात हमेशा निकली होगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मैं बात नहीं बोलूं, स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल, स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, क्या उसका लाइफ स्पान है, कितने साल तक चलेगा, ऐसा तो नहीं 1 साल में ढेर हो जाएगा, आपने बिल्डिंग बनाई वो 1 साल में ढेर होगी, नहीं। तो ड्यूरेबिलिटी हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत बार आपको सुनने को मिलेगी, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब साफ साफ क्या होता है, आपका लाइफ स्पान। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हाई ड्यूरेबिलिटी है टिम्बर की, हाई ड्यूरेबल टिम्बर जो होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, वो आपको मंथ्स में ही पूछ सकता है, वो आपको ईयर्स में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना स्पेशली, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वो पूछ लेगा फॉर पोजीशन, ध्यान से देखते हैं ना, क्या पोजीशन है टिम्बर की, आपसे नेक्स्ट वो पूछ लेगा पोजीशन, क्या पोजीशन है टिम्बर की, स्टैंडिंग है, रफ है या कन्वर्टेड है, आपसे वो सिंपल सी पोजीशन का मतलब आपको समझ में आया, आपका टिम्बर किस पोजीशन में है, स्टैंडिंग का मतलब लिविंग ट्री, अभी भी ट्री जिंदा है, अभी भी ट्री आपके ग्राउंड पे लगा हुआ है और जिंदा है, पोजीशन वो पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय रफ टिम्बर, व्हाट डू यू मीन बाय रफ टिम्बर, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेड टिम्बर एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग टिम्बर। इससे भी देखो ये सब क्लासिफिकेशन है, मैं आपके टिम्बर को अलग अलग तरीके से मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं, जो मेन टॉपिक आपका लाइफ ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकंड आपका पोजीशन और इसके सब क्लासिफिकेशन। वो आपसे पूछ लेगा कि स्टैंडिंग टिम्बर किसको बोलते हैं, भैया जो जिंदा ट्री है लिविंग ट्री है वो हो गया आपका स्टैंडिंग टिम्बर। सेकंड क्या आपका रफ टिम्बर का मतलब क्या है कि पेड़ आपका गिर चुका है, पेड़ आपका गिर चुका है, अभी हमने उसकी कोई शेप नहीं दी, अभी हमने उसको शेप नहीं दी, जैसे पत्थर को शेप देना क्या बोलते हैं, पत्थर को शेप देना क्या बोलते हैं ड्रेसिंग, पत्थर को शेप देना क्या बोलते हैं ड्रेसिंग, और अगर टिम्बर को शेप देना क्या बोलते हैं सॉन, एस ए डब्ल्यू एन, टिम्बर को शेप देने क्या बोलते हैं सॉन, एस ए डब्ल्यू सोइंग, एस ए आई एन जी, ठीक है, एस डब्ल्यू आई एन जी सोइंग। तो अगर हमें टिम्बर, अभी पेड़ यहां पर जिंदा है, जो पेड़ आपका जिंदा है उसको हमने बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर, जो पेड़ आपका गिर चुका है बट आपने उसकी सॉइल नहीं करी, मतलब उसकी शेप नहीं दी, उसको बोलेंगे रफ टिम्बर, और जो टिम्बर आपका गिर चुका है उसको हम बोलते हैं सॉन टिम्बर, मतलब आपने शेप उसकी दे दी, लाइट बीम दे दी, कोई रेक्टेंगुलर प्लैंक, प्लैंक पैटर्न, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, यार एक रेक्टेंगुलर सा आपने देखा होगा फट्टा सा लगा रहता है, उसको हम प्लैंक बोल देते हैं, पैटर्न भी बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखो जो भी रेड में है वो आपका सब क्लासिफिकेशन है, ये स्टैंडिंग रफ, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा इससे,
वो पूछ लेगा आपसे कि जो लो ड्यूरेबिलिटी टिम्बर है ना उसका लाइफ स्पैन कितना होता है। लो ड्यूरेबिलिटी टिम्बर का लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 साल से कम या 60 मंथ से कम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, कल को बोलना मत कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने बताया नहीं था। बीएमसी की यही खास बात है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बोलता हूँ, इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा और इसी चीज को वो आपको कन्वेंशनल में दे देगा। यही तो बीएमसी की खास बात है, तभी तो मुझे बीएमसी में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहां पर आती है जब कोई सब्जेक्ट टोटली कन्वेंशनल है, लाइक सर्वेइंग, सर्वेइंग भी ऐसा ही है, थ्योरी प्लस इस तरीके से, तो ऐसे सब्जेक्ट में मजा आता है ना, जो कन्वेंशनल और सब कुछ बन सकता है। इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट आईयू की बात करूं तो आपने अभी तक क्लासिफिकेशन किस किस से पढ़ लिया, लाइफ ड्यूरेबिलिटी का पढ़ लिया और सेकंड का पढ़ लिया, पोजीशन का पढ़ लिया, ठीक है। इसके दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए। अब ध्यान से देखना, अब जो मेरा थर्ड क्लासिफिकेशन आ रहा है आपका अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है। थर्ड क्लासिफिकेशन कितना वो अवेलेबल है, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं पिछली जो भी मैंने आपसे डिस्कस करा, हर एक का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। जैसे ड्यूरेबिलिटी की बात है तो हाईली ड्यूरेबल, मॉडरेट ड्यूरेबल एंड लो ड्यूरेबल, इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया, इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, आपकी टिम्बर किस पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब ट्री अभी लिविंग ट्री है, जिंदा ट्री है, ना गिरा है ना टूटा है, उसकी ग्रोथ चल रही है। सेकेंड ट्री क्या हो गया आपका, भाई साहब रफ ट्री, गिर चुका है बट आपने उसको शेप नहीं दी। एंड थर्ड था आपका कन्वर्टेड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अवेलेबिलिटी की तो तीन चीजों में क्लासिफाई होता है, एक्स वाई जेड। भाई साहब ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगा इलास्टिसिटी की ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया टिम्बर बैंड हो जाता है, ध्यान रखना भैया टिम्बर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, टेंसाइल भी, ध्यान रखना। बट बेंडिंग के लिए हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली टेंसाइल ध्यान रखना होता है, टेंसाइल से खिंच की चीजें टूट जाती है। देखो कोई चीज कंप्रेशन में अच्छा है, ठीक है, बट जब बेंडिंग होगी तो कंप्रेशन टेंशन दोनों आता है, तो हमें टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग चाहिए मटेरियल कहीं ना कहीं। अभी मैं आगे जाके आपको सब बताऊंगा, अभी मैं आगे जाके आपको सब बताऊंगा, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीजें, ठीक है। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूं आपसे तो जो टिम्बर क्लासिफाई होता है वो तीन क्लासेस में होता है, क्लास ए, ध्यान से देखना भाई साहब अभी क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्लास बी एंड क्लास सी। अब ध्यान से देखो, जब मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था तो एक्स वाई जेड में डिफाइन हुआ, जब मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था तो एक्स वाई जेड में डिफाइन हुआ, जब मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में डिफाइन हुआ। वो आपको ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि जो टिम्बर की अवेलेबिलिटी होती है वो एबीसी में डिफाइन होती है या एक्स वाई जेड में, भाई साहब ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको मजाक लग रहा होगा बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि टिम्बर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो एबीसी में डिफाइन होती है या एक्स वाई जेड में, भाई साहब एक्स वाई जेड में डिफाइन होती है। आप बोल रहे हो सर क्या बच्चों वाली बात कर रहा, मैं बोल रहा हूं हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ध्यान से देखना, अगर कोई टिम्बर आपको साल में 1415 क्यूबिक मीटर अवेलेबल हो जाता है, अगर कोई टिम्बर की क्वांटिटी 1415, अगर कोई टिम्बर की क्वांटिटी 1415 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर लिखा है, एक साल में अगर आपको मिल जा पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सबसे अच्छी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी। अगर कोई टिम्बर 355 क्यूबिक मीटर से लेके 355 क्यूबिक मीटर से लेके 1415 मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाइट कैटेगरी। अगर कोई टिम्बर लोअर देन 355 मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं जेड कैटेगरी। अब आपसे क्या पूछेगा कि टिम्बर की अवेलेबिलिटी अगर वाई कैटेगरी है तो वो कितना अमाउंट में, अवेलेबिलिटी का मतलब कितना है, अवेलेबिलिटी का मतलब लिख लो, अमाउंट भी लिख सकते हो, कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में वो आपका अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। आपको सीरियसली ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, आपको मेरी बातों पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप सोचो मैं लल्लू चीजें नहीं पढ़ाता, मेरी आदत नहीं है लल्लू चीजें पढ़ाने की,
बट अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो दिखने में लल्लू लग रहा है बट उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेरा फर्स्ट बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। कल को बोलना मत सर हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। और एक चीज याद रखना भाइयों, ये जहां रेड पेन चल गया ना मेरा, तो वो आपके पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जिस जगह रेड पेन चल गया मेरा, वो आपके पत्थर की लकीर है। जो चीज मैंने बॉक्स में डाल दी, तो आपके पास तो 1% भी चांस नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे। आपके पास 0.01% भी चांस नहीं है आप उसको छोड़ दोगे। बॉक्स में मेरी वही चीज आती है जो इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। बॉक्स में हर चीज नहीं आती मेरी, ठीक है। अब एबिलिटी का पता लग गया, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक। तो ये तीनों में चलो बातें बात करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी इंपेंडिंग, अगर हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, 12.5, 9.8, 5.6 किसमें किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन अभी आप देखते हैं ना, पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर न्यूटन नहीं किलो न्यूटन। वो आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पुट कर देगा कि जो क्लास बी टिम्बर होता है उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। मैं आपको बता रहा हूं भाषा विज्ञान एग्जाम का लेवल ऐसा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिसने डिटेल नहीं पढ़ा ना उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है यार। ऐसे से क्वेश्चन बुक्स में गिवन नहीं होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बीच में से निकल के तभी आ रहे हैं जब आप डिटेल पढ़ रहे हो। मैं आपको देखो पिछले एक साल से मैं क्या मेहनत कर रहा हूं कि हम लोग पूरा डिटेल पढ़े, और आप देखो क्या डिटेल पढ़ाने में कहीं पर भी मेरी कंसिस्टेंसी बिगड़ी। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है, आप मुझे बताओ कहां पर मेरी डिटेल पढ़ाने में कंसिस्टेंसी बिगड़ी, कहीं नहीं बिगड़ी। आप फील कर लेना, मैं कहीं पर भी पीछे नहीं हटा। अगर मुझे लगता बीच में प्रेशर भी बहुत आया था कि चलो चलो कराओ 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 कराओ, उसके बावजूद मैं डिटेल पढ़ाना मैंने बंद नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि भैया सिंपल सा रीजन ये है कि क्वेश्चन बीच में से निकल कर आ, मैं बोलता हूं 60% से लेकर 65 आपके बुक्स ऑब्जेक्टिव बुक्स नंबर ऑफ रीड्स कर लो, बट ये तो रिमेनिंग हम थ्योरी पढ़ रहे ना बीच बीच में से। बाद साहब आप लिख के रख लो, आप जो मैंने पढ़ाया पढ़ते हुए चलो, और जो आगे पढ़ा रहा हूं पढ़ते हुए चलो। आप आने वाले 2 साल में इतने एग्जाम्स फोड़ोगे ना जिसकी उम्मीदें नहीं है। आपको एक चीज और बोल देता हूं भाई साहब, एक नौकरी से कभी संतुष्टि नहीं करनी, बहुत सारी नौकरियां निकाल ली है, रिकॉर्ड मेंटेन करो अपना, निकाल दे जाओ, ठीक है जितना निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एक नौकरी निकाला संतुष्ट हो गया, अपने आप को अपग्रेड करो। अभी अगर जेल में लग रहे हो तो आगे आके एम में लग दो, अगर आप किसी स्टेट के डिपार्टमेंट में लग रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में लगो, अगर स्टेट का कोई अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है तो स्टेट के किसी अच्छे डिपार्टमेंट, अपने आपको अपग्रेड करते रहना। मैं आपको फिर एक बोल रहा हूँ बात, मुझसे गलती हुई थी कि जब मैं एसएससी जेई में सिलेक्ट हुआ था ना, मैंने अपनी ईएसके प्रिपरेशन बंद कर दी थी। आप लोग मत करना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप में से सारे लोग जो हैं जो डिप्लोमा के नहीं है, जो बीटेक लेवल के हैं, आप लोग आईईएसके पास पहुंच चुके हो, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, आप आईएएस बन जाओगे। आप आईईएस अगर आप अब आईईएस के पास अगर पीछे लौट गए ना, तो फिर आईएएस की तैयारी कर नहीं पाओगे, क्योंकि नौकरी भी लग जाएगी फिर आईएएस की तैयारी कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। भुगत भोगी हूं इसलिए बता रहा हूं, आप आईईएस के पास तक पहुंच चुके हो। जिन लोगों में लगता है कि मेरे को आईएएस बनना है, अगले साल फिर तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, अपना जेई बन जाओ फिर अपना आईईएस बनते रहो, क्योंकि ये मौके फिर बार बार नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास बी 9.8 किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर, और इस तरीके से आपसे तीनों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया क्लास सी जो होता है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये छोटी छोटी चीजें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब अगर अब हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, अब आपसे लास्ट क्लासिफिकेशन इसको लिख लो एक बार, मैं हो सकता है इसको मिटा दूंगा, लिख लिया होगा आपने, यह हम उस जगह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मेरा, मैं चलो टाइम दे दूंगा आपको लिखने के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मेरा सीजनिंग, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मेरा सीजनिंग, फर्स्ट हाईली रिफ्रैक्टरी, सेकंड मॉडरेट रिफ्रैक्टरी, एंड थर्ड
नॉन रिफ्रैक्टरी। देखो सीजनिंग का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। सीजनिंग का मतलब एक चीज होती है भाई साहब, मॉइस्चर का रिमूव हो जाना, क्योंकि लकड़ी जो होती है, जो टिम्बर होती है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं सैप, SAP। वो सैप एक रेजिनियस, रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होता है, रेजिन्स, रेजिन्स आपको चलो आगे आके बताऊंगा, एक लिक्विड होता है पेड़। अब देखो कभी हम पेड़ को तोड़ते हैं तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रीज में रेजिन्स होते हैं, ट्रीज में रेजिन्स होते हैं, ट्रीज में रेजिन्स होते हैं, तो रेजिन्स क्या होते हैं, टाइप का चिपचिपा लिक्विड होता है। वो चिपचिपा लिक्विड ट्रीज को डिफेक्ट से बचाता है। जो ट्रीज के अंदर रेजिन्स होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना जो मैंने आप सभी बोला, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ट्रीज के अंदर रेजिन्स या सैप क्या करता है। देखो सैप क्या करता है, अपना अपना जितने, देखो दो चीज, एक तो सैप एक रेजिन्स है, दोनों का नियरली सेम ही मकसद है। जो सैप होता है वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है जमीन से, जड़ से उसने न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रोथ में हेल्प करता है। वहीं पर रेजिन क्या होता है, रेजिन एक नॉन सोल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलता, रेजिन्स आपका पानी में नहीं घुलता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर रेजिन्स एंड टिम्बर। रेजिन्स एक लुब्रिकेशन टाइप का मटेरियल होता है जो टिम्बर को डिफेक्ट से बचाता है। टिम्बर में बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, इन डिफेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद मेरा जल्दी वो टॉपिक आने वाला है, तो आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने बोला मैं लिखा नहीं रहा, ठीक है। अब हाईली रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है, सीजनिंग का मतलब क्या है, जो भी उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो सूखने में बहुत टाइम लेगा, और इसमें थोड़े बहुत डिफेक्ट्स रह जाते हैं, इसमें थोड़े बहुत डिफेक्ट्स रह जाते हैं। क्या लिखा, सीजनिंग रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। आपने हर जगह से मॉइस्चर को रिमूव करा है, ब्रिक से नहीं करा, ब्रिक से भी तो आपने ड्राइंग करी थी ना, सुखाया था ना मॉइस्चर को, ब्रिक से भी तो आपने ड्राइंग करी थी, ड्राइंग नहीं करी आपने, करी है ना, उसे ब्रिक से आप टिम्बर का भी मॉइस्चर रिमूव करते, ठीक है। तो जो आपका हाई रिफ्रैक्टरी है इसका मॉइस्चर बहुत समय बाद रिमूव होता है, मॉडरेट रिफ्रैक्टरी का मतलब है जल्दी रिमूव हो जाता है और डिफेक्ट्स भी नहीं होते, और नॉन रिफ्रैक्टरी का बहुत ही ज्यादा रैपिड जल्दी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रैपिड हो जाता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा दो, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि टॉपिक में हो सकता है कि आपकी इस बार का SSC JEE का क्वेश्चन इस टॉपिक में आ चुका हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखो। क्लास ए रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है कि सीजनिंग होने में टाइम लगता है और थोड़े बहुत डिफेक्ट्स रह जाते हैं। मॉडरेट रिफ्रैक्टरी में क्या होता है, सही समय पर, मतलब बीच का होता है मॉडरेट रिफ्रैक्टरी, सही समय पर हो जाते हैं और डिफेक्ट्स नहीं रहते हैं। नॉन डिफेक्ट्स टिम्बर में डिफेक्ट्स होते हैं। टिम्बर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मैं आपको टिम्बर के भी एडवांटेज भी बताऊंगा, अगर मैंने आपको टिम्बर के एडवांटेज बताया तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको टिम्बर के डिसएडवांटेज भी बताऊं। जिसमें टिम्बर का सबसे बड़ा एडवांटेज, एक तो फायर है, उस पर कुछ डिफेक्ट हो जाता है अगर हम उसे केयर नहीं करेंगे, धीरे करके आएंगे, पूरा का पूरा देख लो आपको। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार्ट करते हैं। अब देखना नहीं आपसे, हम लोग टिम्बर के उस पोर्शन पर आ चुके हैं जहां से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका पूरा पोर्शन क्वेश्चन है, वो हमने एंडोजेनस एक्सोजेनस कॉनिफर्स डेसिडियस से पढ़े थे, सब क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के। हो सकता है कि अभी तक मैंने आपसे बोला कि टिम्बर अगर आपके एग्जाम में चार क्वेश्चंस तक आई तो ट्रस्ट मी आपके दो क्वेश्चंस अभी तक शायद कवर हो चुके हैं, दो क्वेश्चन आपके कवर हो भी चुके हैं, बट अभी हमें रिमेनिंग दो लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो इतनी जल्दी हो गए तो जो रिमेनिंग दो है वो भी वो जल्दी हो जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन तो आपको घुमा देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये क्या है भैया, ये ट्री है, ये क्या है भैया, ये ट्री है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, टिम्बर या ट्री, पहले ट्री की बात करते हैं क्योंकि ये तो पेड़ है। टिम्बर जनरली हमारा कब बनता है, टिम्बर जनरली हमारा कब बनता है, जब पेड़ आपका गिर जाता है और उसको हम शेप दे देते हैं तब हमारा टिम्बर बनता है। तो अगर मैं पूछूं ये पोर्शन क्या है, ये पूरा ट्री के इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये ट्री के इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्राउन।
ट्री के इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्राउन। क्राउन में क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, टहनियां और पत्तियां होती हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस। ध्यान से देखना भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, आप बोलोगे सर ये ट्रंक है, ये पोर्शन क्या है, ये है हमारा ट्रंक, ये पोर्शन है हमारा ट्रंक। इस ट्रंक का काम क्या होता है, इस ट्रंक का काम ये होता है कि जमीन से जितना भी मॉइस्चर है या न्यूट्रिएंट्स है, जमीन में जो मॉइस्चर है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पत्तियों तक पहुंचाना, ब्रांचेस तक पहुंचाना फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ठीक, अरे यार टेक पर आजकल कुछ ज्यादा है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो ऐसा काम क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और इन पोर्शन तक पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब ये लेता लेता कहां से, ये लेगा कहां से भाई साहब, क्या होता है कि जमीन के अंदर होता है आपका रूट्स, जमीन के अंदर होती है आपकी रूट्स। तो रूट्स क्या करती है, जो भी मिट्टी के अवेलेबल, जो भी आपकी सॉइल के अंदर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो ट्रीज को चाहिए और जो पानी चाहिए वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है स्टेम के थ्रू या ट्रंक के थ्रू। अगर पौधा है तो स्टेम, पेड़ है तो ट्रंक, के थ्रू ट्रांसफर होती है। और जिस लिक्विड में भाई साहब, अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है सैप, दूसरा होता है रेजिन। सैप में क्या होता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बुक में थोड़ा अच्छे से देके रखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। जो ग्रोथ होती है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि टिम्बर की ग्रोथ में दो टाइप के लिक्विड पाए जाते हैं, टिम्बर में दो टाइप के लिक्विड पाए जाते हैं, एक होता है सैप, दूसरा होता है रेजिन। डिफरेंस क्या है भाई, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। ये आपका थोड़ा सा चिपचिपा एडहेसिव, चिपचिपा सा, प्लस इनसॉल्यूबल इन वाटर, प्लस इनसॉल्यूबल इन वाटर। किसी बुक में ये एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, मैं बोलता हूं कि ये जरूरी है समझाना। आपके पास जितने बुक्स है ना उतने बुक्स मेरे पास भी है, इवन उससे कहीं ज्यादा है। और जिस टॉपिक पर कभी मेरे को लगता है कि हाँ ये बच्चा अटक सकता है, उस टॉपिक को मैं एक बार हर किताब के अंदर से अपनी नजर निकालता हूं। मुझे तो नहीं मिला एक टॉपिक। अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इतना डीपली आपने शायद आज तक नहीं पढ़ा होगा, मतलब मैं तारीफ ही कर रहा हूं। हम टिम्बर पढ़ते हैं, हम टिम्बर के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, टिम्बर के एडवांस बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट हम टिम्बर के इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान से देखना, सैप में क्या होता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, जो कि स्टेम या आपका ट्रंक रूट्स के थ्रू, रूट्स कहां से लेगी, जमीन से लेगी, ये नीचे जमीन है, जमीन के थ्रू ये सारी चीजें इससे ट्रांसफर होगी और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अगर कहते हैं सैप का काम क्या होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, इससे काम होता है ग्रोथ। और अगर आपसे पूछे रेजिन का काम क्या होता है, दो टाइप के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं ट्री में, और कोई आपसे पूछे रेजिन का काम क्या होता है, डिफेक्ट से बचाना, डिफेक्ट्स प्लस इंसेक्ट से बचाना, कीड़ों मकोड़ों से बचाना। तो ये दो चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है। पता नहीं मेरा दिल क्यों बोलता है कि इन चीजों से क्वेश्चन आ सकता है, सैप और रेजिन से वो पूछ लेगा। ध्यान रखना रेजिन इनसॉल्यूबल होता है पानी में, घुलता नहीं है, और ये तो खुद पानी है, और एडहेसिव होता चिपचिपा। रेजिन हम कुछ एडहेसिव, जो चीज कभी हम चिपकाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई एडहेसिव है, जैसे फेविकोल है, फेविकोल क्या एक एडहेसिव है। अब और लोग सर आप कोहेसिव क्यों नहीं बोल रहे, भाई सब कोहेसिव सेम चीजों को चिपकाने में बोलते हैं, एडहेसिव दो चीजों को चिपकाने में बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको एडहेसिव बोल रहा हूं, मैं इसको कोहेसिव नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है भाई सब, ध्यान रखना कि सैप का रोल क्या होता है, ग्रोथ, और रेजिन का रोल क्या होता है, डिफेक्ट्स और कीड़ा मकोड़ों से बचाना, क्योंकि इनसॉल्यूबल होता है, तो कीड़ा मकोड़े ट्री के इंटीरियर को टच नहीं कर पाते। अगर अब हम ट्री की बात करें,
अगर अब हम ट्री की बात करें तो ट्री का हमने थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ट्री में अब ट्री मान लो इन केस गिर गया, ट्री क्या है इन केस गिर गया, ये चलो हम थोड़ा बहुत दोनों को लेके चलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। स्पेशली ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि हमारे कंस्ट्रक्शन में कौन सा ट्री यूज होता है, हमारे जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स में हम कौन से ट्री को यूज करते हैं। तो आप बोलोगे एक्सोजेनस या एंडोजेनस, सबसे पहले आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या आता है। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एंडोजेनस फिर एक्सोजेनस, मैंने आपको बताया कि एक्स से ध्यान रखना। हाँ हम कहा थे, मैंने सुना था कि हमने दो टाइप के ट्रीज पढ़े, एक पढ़ा हमने एंडोजेनस और एक एक्सोजेनस। एंडोजेनस जैसे आपको याद रखना तो ई एन ई एक्स पहले कौन आता है, एन एक्स बाद में आता है, या कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं आप कंफ्यूज हो सकते हो एंडोजेनस और एक्सोजेनस, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी होती है जो हमें हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, हमने टर्म्स नहीं पढ़ी हुई। तो आपको ये तो ध्यान है कि सर ने जो पहले पेड़ पढ़ाया था वो किसी काम का नहीं था, सर ने जो पहले पेड़ पढ़ाया था वो किसी काम का नहीं था, सर ने जो दूसरा पेड़ पढ़ाया था ना वो काम। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये चीज, आप इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सर ने जो पहला पेड़ पढ़ाया था वो किसी काम का नहीं था, जो सेकंड पेड़ पढ़ाया था ना, सेकंड पेड़ जो था उसी के कॉनिफर्स और डेसिडियस होते हैं। अब आप अगर ये बोलिए कि सेकंड वर्ड मैंने क्या बोला था, एंडो बोला था या एक्सो बोला था, तो याद रखो यार कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन पहले आता है एक्स से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एन पहले आता है एक्स से, तो सर ने पहले क्या पढ़ाया था जो फालतू का था। अगर मैं आपसे बोलूं ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, हमारा जो काम का ट्री था जिससे स्ट्रक्चर, वो एक्सोजेनस ट्री होते हैं। कौन से होते हैं, एक्सोजेनस ट्री। इधर देखने आपने क्या लिखा हुआ है, दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक्सोजेनस ट्री का है, ये पूरा का, इसको हम बोलते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैक्रो का मतलब क्या है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और माइक्रो का मतलब क्या है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें हमें वो यूज करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो होता था ना बकीरा बकीरा देखते थे, नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को उसका, उसको बोलते क्या थे, नाम भूल रहा हूँ, समझ गया ना, हम लोग केमिस्ट्री क्लास में वो देखते रहते थे यूं करके, माइक्रोस्कोप, ठीक है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जो दिखेगा वो माइक्रोस्ट्रक्चर, और जो आंखों से दिख जाएगा वो मैक्रोस्ट्रक्चर। तो ये मैक्रोस्ट्रक्चर किस ट्री का, बाय सर एक्सोजेनस ट्री का। क्यों एक्सोजेनस ट्री का, हमारे क्यों हम एंडोजेनस को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एंडोजेनस से हम अपने स्ट्रक्चरल मेंबर्स बनाते ही नहीं है, हमारे सारे मेंबर्स जो बनेंगे वो एक्सोजेनस ट्री से बनते हैं। ठीक है भाई साहब, इसका अभी स्ट्रक्चर है। सबसे पहला अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये दो फोटोग्राफ्स आपके सामने नहीं है तो आप, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, बट इसमें कंफ्यूजन है बहुत जबरदस्त वाला, इस कारण मुझे आपको ये दो फोटोज एक साथ चेंज करने पड़ेंगे आपका, क्योंकि अगर ये दो फोटोज नहीं पड़ेंगे नहीं दिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। फर्स्ट सबसे पहले मेरी ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये ब्लैक डॉट यहां पर, इधर भी मेरा, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, देखो यहां पर ये रहा ब्लैक डॉट और यहां पर ये रहा ब्लैक डॉट, मैं दिखा देता हूं, देखो बहुत तरीके से देखना भाई, ये कुछ इस तरीके से, देखो ये बन रहा थोड़ा सा, दिख गया ब्लैक डॉट, सेंट्रल पोर्शन ऑफ टिम्बर इज नोन एज पिक और मैडुला, सेंट्रल, सबसे सेंट्रल का जो पोर्शन, सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ टिम्बर, सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ टिम्बर, क्या निकालने टाइम्स करके,
सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ टिम्बर इज नोन एज पिथ और मेड्यूला। ये रहा आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि टिम्बर का जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ और मेड्यूला। सेंट्रल मोस्ट पोर्शन, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा आपका, ये सबसे सेंट्रल मोस्ट पोर्शन क्या होता है। देखो ये जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और यहीं पर आपका बन जाएगा कन्वेंशनल क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। कौन बोल एक अरे भैया गिरा हो गया तो भैया ने मोबाइल गिरा हो गया एक सेकंड रुको यार। यहीं पर आपका ये कन्वेंशनल क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना एक्सप्लेन मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। इसकी एक एक लाइन मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी एक एक लाइन आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक एक लाइन। ठीक है, वो डायग्राम भी बनवा लेगा आपसे, ये डायग्राम बनवा लेगा आपसे वो, ध्यान रखना पूरा का पूरा डायग्राम बनवा लेगा वो आपसे, तो ध्यान से देखना इसको। देखो ये चीजें तभी समझ में आएगी जब, ये चीज आपको तभी याद रहेगी जब ये चीज समझ में आएगी। नो डाउट आपने पढ़ा हुआ है, नो डाउट आपने पढ़ा हुआ है, बट मैं लिख के दे रहा हूं कि इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है, सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ टिम्बर, अब ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन इन द ग्रोथ ऑफ ट्री इन इट्स यंग एज। जब ट्री नया नया बढ़ता है तो ये जो आपका पिथ होता है इसके अंदर सैप होता है, और दो चीजें आपको ध्यान से ध्यान रखनी है, सैप मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जड़ से मिट्टी के थ्रू स्टेम को होते हुए ट्री के अंदर जाते हैं, और आपका सैप इस पिथ के अंदर भी होता है। सैप क्या होता है, आपके पिथ के अंदर भी होता है, बट होता क्या है, अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो ये तो पूरा हरा भरा ट्री है, मतलब पूरा जवान वाला ट्री है, बच्चा वाला ट्री तो है नहीं कि जस्ट अभी उगना ही चालू हुआ। तो होता क्या है, जब यंग एज होती है ना ट्री की, तो यंग एज में जो सैप अपने अंदर कंटेन करके रखता है उसको हम बोलते हैं पिथ, क्योंकि जब ट्री थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये पोर्शन आपका डीके हो जाता है, खत्म हो जाता है, डार्क हो जाता है। आपने ध्यान से देखा होगा कि ये पोर्शन सबसे ज्यादा डार्क है, क्यों, क्योंकि यंग एज में सैप था, उसने ग्रोथ में हेल्प करी, उसके बाद इस पोर्शन का रोल खत्म, उसके बाद इस पोर्शन का रोल खत्म, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्री इन इट्स यंग एज। ये रहा आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ट्री की यंग एज में सैप किसके अंदर रहता है, सैप किसके अंदर रहता है। आप बोलोगे ट्री की यंग एज में सैप प्लिंथ या मेड्यूला के अंदर होता है, इट इज डार्क इन कलर, काला काला है, विच शोज द डीके, मतलब खत्म हो चुका है पोर्शन, इसका कोई रोल नहीं रहा, इट इज डार्क इन कलर विच शोज द डीके ऑफ पिथ। ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है कि डार्क इसका मतलब क्या है, भाई सब डेड हो चुका है, उसका रोल खत्म हो चुका है, सेप का रोल खत्म, सेप का कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब ट्री बढ़ना स्टार्ट होता है तो जो सैप पिथ के अंदर होता है वो सैप, अब क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि हर साल ट्री की ग्रोथ होती है, मैंने आपको एनुअल रिंग्स बताई थी, ये रही एनुअल रिंग्स, देखो ये सब एनुअल रिंग्स है, ये सब एनुअल रिंग्स है, ये सब देखो गोल गोल से कॉन्सेंट्रिक, एक के बाद एक, 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 ये सब आपकी एनुअल रिंग्स है। अब क्या होता है, जब ट्री ग्रो करता है तो हर साल न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, अभी जो सेल फॉर्मेशन होता है इन सेल से ही बोल सकते हो कि ये न्यूट्रिएंट्स आया, वाटर आया, वो नए सेल फॉर्मेशन करेगा। अभी नए सेल फॉर्मेशन जो होते हैं वो इस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के अंदर होते हैं, ये जो नए सेल्स होते हैं ये हमारी दूसरी कॉन्सेंट, जो नए सेल्स डेवलप हुआ आपके वो इस कॉन्सेंट्रिक रिंग में, ये जो एक के बाद एक रिंग बन गया ना इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप बोलोगे, अब ध्यान से देखना भाई साहब, आप बोलोगे सर यहां पर भी रिंग्स दिख रही हैं,
और यहां पर भी रिंग्स दिख रही है। डिफरेंस ये है कि सर यहां पर कलर डार्क ब्राउन है और यहां पर ये लाइट येलो कलर का है, ये लाइट ब्राउन कलर का है। मैं बोलूंगा भाई साहब कि आपको ये जो डार्क कलर दिख रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या है कि सैप इसके अंदर था, सैप खत्म हुआ, ग्रोथ का रोल खत्म हुआ, दैट मीन्स ये डेड पोर्शन है। और ये जो आप लाइट कलर देख रहे हो, देखो इस पेज आपको हमेशा डायग्राम मिलता है, आपको हमेशा डायग्राम मिलता है। आप बोलोगे सर रिंग्स तो यहां पर भी, मैं बोलूंगा रिंग्स का मतलब क्या, इसके अंदर सेल्स होते हैं, सैप होता है जो कि ट्री की ग्रोथ करता है। हर साल ट्री की ग्रोथ में नए सेल्स डेवलप होते हैं जो इस कॉन्सेंट्रेट में जमा हो जाते हैं। क्यों क्यों डेवलप होते हैं? ड्यू टू सैप। सैप क्या होता है? वॉटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे तो सर एक बात बताओ, तो ये डार्क क्यों? क्योंकि भाई साहब इसकी ग्रोथ हो चुकी है, ये ग्रोथ हो चुकी है, अब इसके अंदर एक्टिव सैप नहीं है, इस पोर्शन के अंदर एक्टिव सैप नहीं है। ये जो लाइट कलर दिख रहा है ना, इसके अंदर एक्टिव सैप अभी भी है, इसके अंदर एक्टिव सैप अभी भी है। तो आप लिख लेना, ठीक है। और जब क्या कर, अब क्या होता है, एंड व्हेन पिट बिकम्स डेड, इट ट्रांसफर्स, वो ट्रांसफर कर देता है, इट ट्रांसफर्स सैप टू द एडजेसेंट रिंग्स, एडजेसेंट एनुअल रिंग्स। सैप ने अपनी यंग एज में ग्रोथ दे दी, सैप ने अपनी यंग एज में ग्रोथ दे दी, और यंग एज में ग्रोथ देने के बाद जब उसे लगता है कि भैया हाँ मेरे जितना भी ग्रोथ दे सकता दे दिया, तो वो सैप को अपनी अगली रिंग्स में ट्रांसफर कर देता है, वो सैप को अपनी अगली रिंग्स में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इट ट्रांसफर सैप टू द एडजेसेंट एनुअल रिंग्स, एडजेसेंट एनुअल रिंग्स वो क्या करता है, अपनी अगली रिंग्स को सैप ट्रांसफर कर देता है, नोन एज हार्ट वुड। देखो हार्ट वुड क्या है, इस पित के जस्ट बाद जो रिंग्स हैं, इस पित के जस्ट बाद जो आपको रिंग्स दिख रही है ना डार्क कलर की, इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि पित ने यंग एज में ट्री को ग्रो करा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इतना बोलता नहीं हूं टॉपिक के, यंग एज में पित और मेडुला ने अपना रोल दिखाया, उसके बाद सैप को अपनी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ट्रांसफर कर दिया, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में। अब यहां इस डायग्राम क्या शो रहा है कि जो कॉन्सेंट्रिक एनुअल रिंग्स थी जिनको हम हार्ट फुट बोलते हैं, इसका रोल भी यहां पर खत्म हो चुका है, और उसके बाद इन सब ने ये रिंग्स हर साल जो इससे ग्रोइंग सीजन है भाई, एक समय होता है ट्री के डेवलप होने का कि इस समय ट्री बढ़ेगा, इस समय ट्री बढ़ेगा, है ना, सीजन जो होता है मॉनसून, मॉनसून क्या सीजन होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि भैया यहां पर भी आपका सैप ने काम कर दिया है, ग्रोथ दे दी है, और अब सैप अगले वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर हो चुका है ना, इस तरीके से, ठीक है। इट ट्रांसफर सेप टू द एडजेसेंट एनुअल रिंग्स नोन एज हार्टवुड, एच ई ए आर टी हार्टवुड। तो दैट मीन्स पित और मेडुला पढ़ के अब हम अगली जो लेयर या स्ट्रक्चर का पोर्शन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा हमारा, हार्टवुड। इसमें से क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन आएगा आपने बता देता हूं यार, ये भी आ सकता है कि पित का डार्क कलर क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि पित का डार्क कलर क्यों होता है, क्योंकि वो डीके हो जाना, डीके मतलब डीकंपोज होना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। एंड व्हेन पित बिकम डेड इट ट्रांसफर सेप टू द एडजेसेंट नोन एज हार्टवुड, पूरा लिख लो भाई साहब, जरूरत पड़ेगी आपको इसको पूरा का पूरा चाह लो तगड़ी तरीके से, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको ध्यान रखना है, अब आप ध्यान से देखना नेक्स्ट हमारा पोर्शन है हार्टवुड। तो आपने देख लिया पित ने अपना काम कर दिया, यंग एज में टी की ग्रोथ दे दी, देने के बाद बेचारा डीके हो गया और उसका कलर हो गया डार्क, सिंपल। इसके बाद क्या हुआ, जो अगली रिंग्स बनी इसके अंदर सैप है। डिफरेंस ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भी रिंग्स हैं, ये देखो ये रिंग्स दिख रही है आपको, ये रिंग्स 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 और ये बाहर वाली रिंग्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस पोर्शन के ट्री की ग्रोथ हो चुकी है, इसलिए इसका कलर डार्क है। दैट मींस नेक्स्ट, सॉरी सेकंड हार्टवुड,
कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नेक्स्ट टू द प्लिंथ। अरे यार सिविल इंजीनियर की गड़बड़ी है, प्लिंथ निकलता है मुझसे। नेक्स्ट होगा पिथ, ठीक है इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टू द पिथ, अब जैसे कि मैंने आपको बोला देखो दो चाय की चीज है, जो कलर डार्क हो गया वो तो हो गई हार्डवुड, और जो कलर लाइट है उसको हमने बोल दिया सैफवुड। सैफवुड क्या शो करता है, ग्रोथ अभी भी प्रोग्रेस में है, ग्रोथ ऑफ ट्री इज इन प्रोग्रेस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल नेक्स्ट टू द पिट। अब आपसे एक चीज और पूछेगा, वो अभी देखते हैं धीरे, मैं चीजें लेकर आता जाऊंगा, मतलब ग्रोथ में एक्टिव है, ग्रोथ ऑफ ट्री इज इन प्रोग्रेस और इट इज एक्टिव, ठीक है अभी देखते हैं ना, धीरे करके देखते हैं ना, ठीक है। तो हार्डवुड के बारे में एक चीज और आ सकती है कि हार्डवुड किसके बीच का पोर्शन होता है, हार्डवुड किस किसके बीच का पोर्शन है, पिट और सैफवुड का, ये क्वेश्चन आता है। हार्डवुड लाई बिटवीन, देखो ध्यान से देखना, जो हमारी हार्डवुड है वो किस किसके बीच में आ रही है, देखो पिथ पिथ ये रहा, देखो ये रहा पिथ और ये क्या है आपका, दिस इज सैफवुड, और इन दोनों के बीच में कौन सा क्वेश्चन है, हार्डवुड। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा भाई साहब कि हार्डवुड किसके बीच में लाया करता है, बिटवीन पिथ एंड बिटवीन पिथ एंड सैफवुड। इट डज नॉट टेक प्लेस, इट इज नॉट एक्टिव इन द ग्रोथ, इट इज नॉट एक्टिव इन द ग्रोथ, देयरफोर इट्स कलर इज डार्क, देयरफोर इट्स कलर इज डार्क। भैया एक्टिव नहीं है इस कारण इसका कलर क्या हो चुका है, डार्क। सैप आया था इसके अंदर, सैप ने अपना रोल ग्रोथ दी, जितनी जबरदस्त ग्रोथ दी। अब देखना ये डार्क है मतलब ये ऑलरेडी जितनी ग्रोथ हो सकती थी हो चुकी है, दैट मींस ये पोर्शन रिजिड होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों पोर्शन में से ज्यादा रिजिड पोर्शन, रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसमें आप डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों पोर्शन में ज्यादा रिजिड पोर्शन कौन सा है, एक होता रिजिड एक होता फ्लेक्सिबल, रिजिड का मतलब क्या होता है भाई साहब, आप उसकी शेप को इजिली डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं रिजिड, ठीक है। जैसे रिजिड की और भी डेफिनेशन मैंने आपको सॉम में डिफरेंस बताया है, हमें तैयार नहीं आना, आपको याद रखना है कि भाई साहब इसका कलर डार्क होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रोथ दे चुका होता है, ये एक्टिव नहीं है ग्रोथ में, ये ग्रोथ दे चुका ट्री की, जितनी ये ताकत दे सकता है ट्री को, जितना ये ट्री को रिजिड कर सकता था उसने कर दिया, उसने कर दिया। एंड इट इज नॉट एक्टिव इन द ग्रोथ, देयरफॉर इट्स कलर इज डार्क। इस पोर्शन का वेट भी थोड़ा हैवी होता है, एंड वेट ऑफ दिस पोर्शन इज मोर इन कंपैरिजन टू हार्डवुड, इन कंपैरिजन टू हार्डवुड। और हमारे स्ट्रक्चरल में अब आप दो चीजें देखो, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन में कोई डोर बनाना है, कोई विंडो बनानी है, या मेरे को कोई इलेक्ट्रिक पोल बनाना है, कॉलम बनाना है, शोरिंग करनी है, स्कैफोल्डिंग यूज करनी है, जितनी भी चीजें मुझे टिम्बर से करनी है, वो हमेशा हम इस पोर्शन से करेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसी लकड़ी है जिसमें हमें एक ऐसा पेड़ मिला गिर गया था और उसमें एक पोर्शन, दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे वुड का सबसे बेस्ट पोर्शन कौन सा होता है फॉर स्ट्रक्चर, तो वो हार्डवुड होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोन पोर्शन होता है, इस पोर्शन से हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर बनता है। अगर कोई ट्री आपको ऐसा मिला कि भाई साहब उसमें आपकी सैफवुड भी है, तो आप उस सैफवुड को छोड़ के हार्डवुड को सबसे पहले कंसिडर करोगे कि ये पोर्शन मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मेन हेडिंग को डाल देते हैं बॉक्स में, हार्डवुड, उसके बाद
ये पूछा सकता है कि जस्ट नेक्स्ट टू पेट होता है ये, इसके अंदर सैप नहीं होता है। सैप जो होता है देखो ये ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, तो इसने जो अपना सैप था वो नेक्स्ट लेयर को दे दिया। इसने जो अपना सैप था, जो इसने ग्रोथ करी, ग्रोथ के बाद सैप था। इस पोर्शन में सैप होता है, इस पोर्शन में सैप होता है। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाओ, अभी मजा आएगा करके। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्ड वुड किस किसके बीच में आती है, बिटवीन पिट एंड सैप, सैप वुड। यहां पर सैप वुड लिखना है यार, सैप वुड, सैप वुड। ग्रोथ पैक्टिव नहीं होता है, इसका कलर क्या होता है, डार्क होता है, वेट भी ज्यादा होता है, और हम अपने स्ट्रक्चरल मेंबर की कंस्ट्रक्शन में इस वुड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये रिजिड भी होता है इन कंपेरिजन टू सैपवुड, इन कंपेरिजन टू सैपवुड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, छोटी छोटी पर मोटी बात नहीं है। देखते थे ना शक्तिमान, शक्तिमान यही है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात डिस्कस करते हैं। अगर अब आप सैपवुड को देखो, तो सैपवुड में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया कि सैपवुड भैया क्या दिखा रहा है कि ग्रोथ ऑफ ट्री इज इन प्रोग्रेस और इट इज एक्टिव। अभी भी ट्री की जो ग्रोथ है वो आपका सैप क्या होता है, सैप में आपको अच्छी चीज दिखा रहा है। इस पोर्शन में अभी भी सैप प्रेजेंट है, इस पोर्शन में अभी भी सैप प्रेजेंट है। सैप क्या होता है भैया, एक ऐसा लिक्विड फॉर्म जिसके अंदर पानी भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होती है, और ये सैप ही ट्री की ग्रोथ करता है। तो ये जो आपका सैप फूड वाला पोर्शन है, बनाइए अपने नाम से कि इस ट्री के अंदर अभी भी आपकी ग्रोथ हो रही है, इस ट्री के अंदर आपकी अभी भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे, ध्यान से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा सबसे पहले ध्यान से देखो, देखो ये पिट था, उसके बाद हार्डवुड आया, ये हार्डवुड आ गया, हार्डवुड के बाद ये क्या आपका सैपवुड। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां तक मैं सैपवुड लेके चल रहा हूं, आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, देखो ये वाली, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। अब आप बोलोगे सर कैम्बियम लेयर क्या है, भैया बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो ना, तो आपका बाइक में रिजर्व होता है, रिजर्व, रिजर्व क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर काम आएगा। सेम क्या होता है, कैम्बियम लेयर क्या बताता है कि अभी ट्री का कोई भी वुड में कन्वर्जन नहीं हुआ है, इसमें भी सैप होता है, रिजर्व वाला सैप होता है, जो ये शो करता है कि अभी ट्री में या फिर जो आपकी जो कंस्ट्रक्शनल आपकी जो टिम्बर है वो कन्वर्ट नहीं हुई है, इसमें भी सैप होता है, बट ये टिम्बर में कन्वर्ट हुआ हुआ नहीं होता है। देखो एग्जैक्टली टिम्बर में आपका ये पोर्शन कन्वर्ट हो चुका है, ये हो रहा है, और जो आगे होने वाला है इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये आपका कैम्बियम लेयर है, ये वाला येलो कलर में सुंदर लगता है, दैट मीन इसके अंदर सैप है बट टिम्बर में कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है। टिम्बर में जो स्ट्रक्चर टिम्बर है वो आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ग्रोथ ऑफ ट्री इज इन प्रोग्रेस और इट इज एक्टिव, सैपवुड। अच्छा सैपवुड तो हमने लिख लिया, ठीक है, हाँ सैपवुड ही कर रहे थे हम। ठीक है, अगला क्या टॉपिक आएगा, किस किसके बीच में होता है, किस किसके बीच में होता है, किस किसके बीच में होता है। देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये टिम्बर की प्रोटेक्टिव लेयर है, ये वाली ये टिम्बर की प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम बोलते हैं बार्क, BARK। अब देखो ये टिम्बर की प्रोटेक्टिव लेयर है, शायद इसको छाल भी बोलते हैं, छाल, ठीक है, ये टिम्बर की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो मेरा कैम्बियम, देखो ये मेरी टिम्बर की प्रोटेक्टिव लेयर है, बाहर से छाल जिसको बोलते हैं, शायद छाल ही बोलते, मुझे पता नहीं है, उसके जस्ट अंदर क्या है, कैम्बियम लेयर। तो ये जो आपकी बार्क है, ये बाहर वाला सरफेस है तो इसको बोल दिया आउटर बार्क, और जो अंदर वाला सरफेस है इसको क्या बोल दिया हमने, इनर बार्क। तो ध्यान रखना वो आपसे पूछेगा सैपवुड किस किस के बीच में आती है, तो आप बोलोगे सैपवुड आपकी लाई बिटवीन, अगर मैं पूछूं
सैपवुड आपके किस किसके बीच में है? तो सैपवुड क्या है आपकी, ध्यान से देखना, हार्डवुड, देखो ये हमारी सैपवुड है, अभी हम कैमिल वेयर पे नहीं आ रहे, अभी हम कैमिल वेयर पे नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछूं ये आपकी क्या है, सैपवुड है, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन आपका सैपवुड है, यहां पर सैपवुड है, तो ये क्या था, ये था हार्डवुड, उसके बाद सैपवुड, और यहां पर क्या था कैम्बियम, ये कौन सा आएगी कैम्बियम लेयर, ये होगी कैम्बियम लेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सैपवुड किस किसके बीच में लाया करता है, भाई साहब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सैपवुड किसके बीच में लाया करता है, तो आप बोल दोगे अपनी सुंदर सी भाषा में, सर सैपवुड लाया करता है, लाय बिटवीन कैम्बियम लेयर एंड हार्डवुड, ये सब क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना, एंड हार्ड बिटवीन कैम्बियम लेयर एंड हार्डवुड, आपको भाई ध्यान होना चाहिए चीज होता। अब देखो मैं रेड का अगर आपके सामने क्वेश्चन, आप एक बार इसको लिख लो क्योंकि अभी मेरे को स्मॉल लिखना है, ठीक है। लिख लिया आपने अच्छे वाला, मैं ऊपर वाला मिटा, सैपवुड में थोड़ा सा और पढ़ना है, इसको नहीं मिटाऊंगा, बस ऊपर वाला मिटाऊंगा, फिर मैं आपको पूरा लिखने का मौका दूंगा, ये अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, हार्डवुड को मिटा रहा हूं, उसमें मिट जा भैया मिट जा, कल तक मिटेगा क्या, ए यार मिटने में बहुत टाइम लेता है यार, और मिटता भी नहीं है, अभी देख के आना यार, है ना, अभी इसमें हमारा सैपवुड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सैपवुड में हार्डवुड का आपका लिख लिया, सैपवुड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं किसी के साथ पूरा, फिर मैं आपको सैपवुड पूरा लिखने का मौका दूंगा, टेंशन ना लो। चलो घूम फिर के आते हैं, चलते हैं हम दिल्ली ली घूम के आते हैं, जितना ये मिटेगा तब तक तो हम दिल्ली ली घूम कर आ जाएंगे, चलो चलते हैं, है ना, एक दो साल के अंदर तो मिटाई देगा, ये तो डिलीट है ये तो, अरे भैया मिटा रहे क्या चल रहा है भैया, देखो था पढ़ना है हमको, या मैं सो कर आज भाई घंटा नींद निकल कर आ जाऊं तब मिटाएगा तू, अभी लिखा वाले नहीं मिटा रहा क्या कर लेगा तू, अरे मिटा दे तुम ना मिटा दे, क्यों बोर कर रहा है, अटक गया क्या, मिट प्यार कब होगा बेचारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैपवुड को ध्यान से देखना, किस किस के बीच में लाया करता है भाई साहब आपका सैपवुड, ध्यान से देखना, ये मैंने बॉक्स में डाला, बिटवीन कैम्बियम लेयर एंड हार्डवुड, ध्यान से सुनना भाई साहब सारे क्वेश्चन आने वाले, सैपवुड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, एल्बर्नम, 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 सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज एल्बर्नम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो आपसे एल ए ए एल बी यू आर एन यू एम, इसका दूसरा नाम एल्बर्नम की है, वो आपसे पूछ लेगा भाई साहब, मैं इसको तो भाई कुछ ना कुछ अच्छा कहूंगा, वो आपसे पूछ लेगा कि एल्बर्नम हम किसको बोलते हैं, एल्बर्नम हम किसको बोलते हैं भाई साहब, सैपवुड को, ये ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स स्टार क्वेश्चन है, वुड की किस लेयर को हम एल्बर्नम बोलते हैं,
वुड की किस लेयर को हम लोग एल्बर्डम बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। एल्बर्डम आपको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा एल्बर्डम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, सैपवुड में जो रिंग्स होती हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होती है, क्योंकि देखो ट्री की ये रिंग्स कब बनती है, अगर मैं आपसे एनुअल रिंग्स की बात करूं तो ये रिंग्स तब बनती है जब ट्री की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। ये रिंग्स आपकी कब बनती है? जब ट्री की ग्रोथ आपकी कंप्लीट हो चुकी होती है। सैपवुड में ग्रोथ प्रोग्रेस में होती है, तो इसके अंदर आपका जो रिंग्स होती है वो ज्यादा क्लियरली नहीं होती है। ये रिंग्स क्लियरली तब ही आएंगी जब ट्री की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होगी। जब ट्री की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होगी तब ये जाकर रिंग्स आएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं एनुअल रिंग्स आर नॉट क्लियर because the growth is in progress। भाई तैयारी तो ऐसी होती है, कहां से कहां क्वेश्चन निकाल। देखो मैं आपको चीज बताता हूं भाई साहब, ये चीज आपका ना डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव बुक में, मैं मानता हूं कि ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव एल्गोरिथम आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा। चलो मैं बोलता हूं कोर्टेक्स बताओ, कोर्टेक्स किस लेयर को बोलते हैं? मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव बुक में क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका सरकारी में आ सकता है। जिस तरीके से सैपवुड को आप एल्बर्डम बोलते हो, कोर्टेक्स किसको बोलते हो? अब मेरे को बताना किस सरकारी की बुक में ये है। भैया नहीं आ रही बुक्स, काम नहीं आएंगी अब यार, नहीं माननी बात मत मानो, होने दो एग्जाम। मैंने एक ही चीज बोली, आप भी यही और मैं भी यही हूं, है ना। मैं आपको दिखा दूंगा कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक काम नहीं आएगी, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना काम आ जाएंगे, 70% आ जाएंगे, 95% नहीं आएंगे। मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लो, 60% 65% तक आप कर आ जाओगे, और उसमें अगर आप 65% बिल्कुल करेक्ट सही करके आओगे आपको गारंटी है? नहीं। हमें सब नॉलेज लेनी पड़ती है, थोड़ा बहुत हम ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत हम डिटेल पढ़ते हैं, और तब जाके सब कॉम्बिनेशन 95% क्वेश्चन आप सही करके आओगे, वरना आप सही करके नहीं आओगे। मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिख भी रहा है आपको कि हार्ट फूड के कंपैरिजन में इसका कलर क्या होता है? लाइट होता है, वेट भी कम होता है। लिख सकते हो, मैं पॉज पर डाल दूंगा सर, कलर इज लाइट इन कंपेरिजन टू हार्ट फूड एंड वेट इज ऑल्सो लेस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लो, मैं इसको तरीके से डाल देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं डाल दूँ, कलर भी कम ही है यहाँ पे, ठीक है। सैपवुड इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद रेड बना चालू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा कि बिटवीन कैम्बियम लेयर एंड हार्ट फूड आपका होता है। उसका क्वेश्चन निकल के आएगा कि सैपवुड आपका एल्बर्डम भी बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें एनुअल रिंग्स क्लियर नहीं होती है बिकॉज द ग्रोथ इज इन प्रोग्रेस और कलर इसका लाइट होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आपके। लिख लो इसको, फिर आगे चालू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 मिनट का टॉपिक बचा है हमारा बस, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे पूरा। तो हम कहां तक आ चुके हैं? हम सैपवुड तक आ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, आगे बात करते हैं। तो सैपवुड के बाद हमारा क्या है? कैम्बियम लेयर। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेयर है जिसके अंदर सैप रहता है, ये जो लेयर है जिसके अंदर सैप रहता है, व्हाट इज सैप? लिक्विड विच कंटेन्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड और सॉइल थ्रू स्टेम। नहीं समझ में आया? ऐसा लिक्विड इसके अंदर पानी भी रहता है, न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जो कि मिट्टी से पेड़ के अंदर आते हैं, रूट्स पर उनको एब्जॉर्ब करता है, फिर स्टेम या ट्रंक के अंदर होते हुए आपका मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो भी न्यूट्रिएंट्स और पानी जड़ के थ्रू, रूट्स के थ्रू ट्री के अंदर आया, वो बन गया सैप। सैप किस में कन्वर्ट होता है? पहले सैपवुड में। सैपवुड के बाद, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं।
सैप निकलकर आ गया जड़ में से, बुझेगा फिर वो किसमें कन्वर्ट होगा, हार्डवुड में। ये देखो ये सैपवुड है, ये सैपवुड है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि देखो ये तो जिस जितनी देखो ये क्या आपका हार्डवुड, ये दिखा रहा है कि भैया जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई। ये क्या दिखा रहा है कि रिसेंटली ग्रोथ हुई है, सैपवुड हमारा क्या दिखा रहा है रिसेंटली ग्रोथ हुई है, और ये केमिकल प्लेन का दिखा रही है अभी कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो सैप होता है जो कि कैम्बियम लेयर के अंदर में है, पहले वो सैपवुड में कन्वर्ट होगा, सैपवुड के बाद वो आपका हार्डवुड में होगा। समझ में आ गई बात। सबसे पहले कैम्बियम एक लिक्विड एक सैप, देखो व्हाट इज कैम्बियम लेयर, देखो चीजें तरीके से समझोगे तभी एग्जाम के ध्यान आएगी, तभी एग्जाम में ध्यान आएगी, वरना ध्यान नहीं आने वाली चीज है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर क्या है, कैम्बियम लेयर इट कंटेंस सैप विच इज नॉट कन्वर्टेड इंटू सैपवुड, सैपवुड में कन्वर्जन नहीं हुआ है। और मैं क्या कैम्बियम लेयर के बारे में लिख सकता हूं, और मैं क्या कैम्बियम लेयर कर सकता हूं, इट लाई बिटवीन कैम्बियम लेयर किस किस के बीच में, देखो ये रही आपकी कैम्बियम लेयर, सॉरी ये रही आपकी कैम्बियम लेयर, ये कैम्बियम लेयर है, देखो ये किस किस के बीच में, एक तो सैपवुड, देखो ये रहा सैपवुड, और ये क्या है, ये है इनर बार्क, जो छाल होती है जो ट्री को बचाती है, ये पूरा अंदर का मान लो ये आपका सैपवुड है, तो इसको किस बीच में कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर को किसने कवर कर रखा है, बार्क ने, क्योंकि कैम्बियम लेयर को अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं करा और कुछ भी आपने उसको खोद दिया है तोड़ दिया, अगर बार्क नहीं होगा तो जो सैप में वाटर और न्यूट्रिएंट्स आए उन्होंने न्यू सेल फॉर्मेशन करे, अगर बार्क नहीं होगा तो कैम्बियम लेयर डैमेज हो जाएगी, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो टिम्बर की ग्रोथ नहीं होगी। सब कुछ कनेक्टेड है, मिट्टी से पानी आए न्यूट्रिएंट्स आए ठीक है, उसको हमने बोल दिया सैप, सैप ही ट्री की ग्रोथ करता है। अभी कैम्बियम लेयर में सैप कन्वर्टेड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, यही धीरे धीरे करके ट्री का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो अगर ये बार्क नहीं हुआ, जो छाल नहीं हुई, तो आपकी कैम्बियम लेयर डैमेज हो जाएगी, अगर कैम्बियम लेयर डैमेज हो जाएगी तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, अगर सेल डैमेज हो गए तो सेल ही तो हर चीज को बनाते हैं, तो सेल अगर नहीं हो, सेल्स नहीं हुए तो लकड़ी की मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर रुक जाएगी। तो दैट मीन्स कैम्बियम लेयर में हमारा सैप होता है, सैप ही सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो दैट मीन्स इस कैम्बियम लेयर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर तो चाहिए। तो प्रकृति इस तरीके से, भगवान ने हर चीज को बनाया इस तरीके से कि हर चीज बचे, तो उन्होंने ट्री को क्या दे दिया, आउटर बार्क दे दिया, उन्होंने ट्री को क्या दे दिया, आउटर बार्क दे दिया, और धीरे धीरे पेड़ की साइज या बार्क दे दिया। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, देखो ये होती है बार्क, जिसमें से इनर बार्क होता है। देखो सबसे बड़ी बात, तो अगर मैं कैम्बियम लेयर की बात करूं यहां से आपसे, तो कैम्बियम लेयर किस किस के बीच में लाई करती है, कैम्बियम लेयर लाई करती है बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, इट लाई बिटवीन इनर बार्क, ठीक है ना, देखो ये रहा ये वाला इनर बार्क, ये वाला, और ये बाहर वाला आउटर बार्क, इनर बार्क, इट लाई बिटवीन इनर बार्क एंड सैपवुड। आपको भाई साहब सब कुछ याद रखना चाहिए, हार्डवुड क्या है, हो गया कन्वर्ट, हो गया टिम्बर ग्रोथ, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, सैपवुड क्या है, रिसेंटली ग्रोथ दिखा रहा है, रिसेंटली ग्रोथ दिखा रहा है कि अभी थोड़ा बहुत और होगा, और रिसेंटली ग्रोथ दिखा रहा है, एनुअल रिंग्स भी डिस्टिंक्ट नहीं होती, क्लियरली नहीं होती। व्हाट इज कैम्बियम लेयर, कि भाई साहब सारा माल मसाला है अपने पास, लकड़ी बना देंगे बस मुझे बचाकर रखो, कैम्बियम लेयर ने बोल दिया मेरे पास सारा माल मसाला है, क्या चाहिए आपको, मैं बनाऊंगा लकड़ी, बट आपको मुझे बचाना पड़ेगा, बचाने के लिए प्रकृति ने क्या दे दिया, उसको बार्क दे दिया,
क्योंकि अगर वो सेफ नहीं हुआ तो सेल डैमेज हो जाएंगे, और सेल अगर डैमेज हो गए तो लकड़ी का फॉर्मेशन आपका नहीं हो पाएगा। चीजें कनेक्टेड हैं। चाहता तो 10 मिनट में ही पढ़ा देता, इतना डिटेल इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके भेजे में ये चीजें सारी की सारी याद होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इस टॉपिक को एक बार भी पढ़ो, आपके दिमाग में अभी ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगली बार डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है तो कैम्बियम लेवल आपको पता है। ठीक है, अब आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंट इन सेप विच इज नॉट कन्वर्टेड इंटू सैपवुड, इट लाइ बिटवीन। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैम्बियम लेयर किस किसके बीच में लाया करती है, इनर बार एंड सैपवुड। कैम्बियम लेयर आपके किस किसके बीच में लाया करती है, इनर बार एंड सैपवुड, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इनर बार क्या है, इनर बार की जरूरत है नहीं, इनर बार कैम्बियम लेयर को बचाता है, इनर बार का रोल क्या है, कैम्बियम लेयर को बचाता है, और आउटर बार सबको बचाता है। अब एक चीज याद रखना जो मैंने आप इसलिए लिखी थी, इनर बार की कितनी जरूरत है। अब इनर बार अगर मैं पूछूं इनर बार किस किस के बीच में आता है, तो आप बोलोगे सर इनर बार सर आउटर बार और कैम्बियम लेयर के बीच में आता है। तो इतना तो आप समझ गए कि जो आपका इनर बार है वो आउटर बार और कैम्बियम लेयर के बीच का है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आउटर बार सबको बचाता है। आउटर बार क्या करता है, धीरे धीरे पेड़ बढ़ाता रहता है तो आउटर बार में क्रैक्स भी आ जाते हैं, टूट भी जाता है, जिसको मेरे को मुझे पता नहीं कि बार को छाल बोलते या नहीं बोलते, बट हाँ मेरे को लग रहा है कि छाल बोलते हैं। ठीक है, उसके मुझे तैयार नहीं है भैया ऐसा कि मैं बार को छाल बोल रहा हूँ ये सही है ये मुझको पता नहीं, मुझे कभी किसी ने बोला था तो शायद मुझे वो ध्यान आ रहा है कि छाल ही बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है आउटर बार से, आउटर बार को ही कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर बार में इनर बार के बारे में कुछ लिख रहा, आउटर बार इज नोन एज कॉर्टेक्स, CORTEX। जिस तरीके से एल्बर्नम इंपॉर्टेंट था, जिस तरीके से एल्बर्नम इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटर बार। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर आप लोग बोलते हो ना सर क्वेश्चन कहां से आ गए, फिर आप लोग बोलते क्वेश्चन कहां से आ गए, भाई साहब डिटेल पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, सिलेक्शन होगा। तरीके से एक बार पढ़ लो या बार बार पढ़ लो, चॉइस आपकी है। मैं तो तरीके से एक बार पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ, एक ही बार पढ़ाऊंगा सिलेक्शन पढ़वा दूंगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं हड़बड़ी में क्वेश्चन क्वेश्चन करा दूंगा, ना ना हड़बड़ी मेरी करनी नहीं है। ठीक है, और मेरी कंसिस्टेंसी बहुत दिनों से आज से नहीं है कि आज मैं बोला बहुत पुराना चावल हूँ भाई, जो काम स्टार्ट करते हैं वो खत्म भी करते हैं और खत्म करने पर आते हैं। ठीक है, आउटर बार इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है, अब लास्ट में आपने एक चीज और देखी होगी, ये ध्यान से देखो, ये केचुए जैसे दिख रहे हैं आपको, ये केचुए, अरे वाह मैं तो बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ इसको, एग्जैक्टली इसके ऊपर बना है, अरे वाह। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिख लो इसको, इसको हम मिटा देंगे फिर बाद में। ठीक है, लास्ट मेरा टॉपिक है मेड्यूलरी रेज। अभी क्या होता है मेड्यूलरी रेज, कुछ भी नहीं होता है, पिथ से लेके कैम्बियम लेयर तक होता है, पिथ से लेके कैम्बियम लेयर तक होता है। ठीक है, आपको दिख रही है मेड्यूलरी रेज, इसका रोल क्या होता है, कुछ भी नहीं, हार्ट वुड की जो रिंग्स हैं, जो सैप वुड की रिंग्स हैं, उसको अपनी पोजीशन में रखना। सबसे पहली बात, मेड्यूलरी रेज आर एक्सटेंड फ्रॉम पिट से लेके कैम्बियम लेयर तक, पिट टू कैम्बियम लेयर, पिट टू कैम्बियम लेयर, मेड्यूलर रेज आर एक्सटेंड फ्रॉम पिट टू कैम्बियम लेयर, पिट टू कैम्बियम लेयर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, रोल क्या होता है, इट हेल्प्स इन होल्डिंग, ताकि अपनी पोजीशन से ना मिले, हार्डवुड एंड सैप, इट्स हेल्पिंग होल्डिंग द रिंग्स ऑफ द एनुअल रिंग्स ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड। ठीक है भाई साहब,
तो यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलेंगे, एक तो ये पिट से लेके कैम्बियम तक आता है, दूसरा ये इसका रोल क्या होता है, इसको लिखो फिर हम अपना आगे का टॉपिक चालू करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप देखते जाओ टिम्बर में बहुत कुछ चीजें आएंगी, ये तो कुछ भी नहीं है।